लोग के चैनल को सबको नमस्कार और सभी दर्शकों को और मेरा ढेर सारा प्यार और सबका प्यार मुझे मिलते रहे, धन्यवाद। शादी एक रात की क्या कहना चाहेंगे? अब भाई ये टाइटल ही साला ऐसा है कि शादी एक रात की, इतना ही सुन के मजा आ जाती है। और इनके डायरेक्टर तो भाई रोशदा मलिक चिश्ती है और हीरो हैं यश मिश्रा जी और हीरोइन है रक्षा गुप्ता जी। इसमें मैं विलन कर रहा हूँ और शूटिंग कर रहे हैं हम लोग बनारस सारनाथ, रुके हुए हैं यहाँ, तो कौन सा लोकेशन है, चौबेपुर के बाजू में ही है। और ये गांव का नाम तो मुझे पंडा कुछ ऐसे नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है मुझे फिलहाल। तो कैसा चल रहा शूटिंग? शूटिंग तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये लोग शूटिंग आधा से ज़्यादा करके ये लोग गोरखपुर आए थे और फिर वहाँ से फिर शिफ्टिंग यहाँ हुई है, तो मैं डायरेक्ट यहीं आया बॉम्बे से। तो क्या कह रहे थे इनकी शूटिंग? देखो शूटिंग तो बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और उसमें मैं तो आप लोग के दर्शकों को यही बोलूँगा कि आप लोग पिक्चर देखें और फिल्म हट के बन रही है और बहुत मस्ती है इसमें। डायरेक्टर साहब रुस्तम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ मैं पहली बार कर रहा हूँ, दोस्ती तो बहुत दिन से थी और लेकिन काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे इंसान है भैया। सबसे पहले तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री की बात है जी, लेकिन थोड़ा सा हटके इससे बात करूँगा। इस समय 3 सांसद हैं, चौथे सांसद पावर स्टार पवन सिंह जी, जी, को आसनसोल से टिकट मिला है, मतलब हाँ मैंने सुना। रिएक्शन क्या है हीरा यादव जी का, क्या रिएक्शन? रिएक्शन ये है कि वो भी सांसद बने और मेरी उनको ढेर सारी बधाई हो और वो भी जीत के आए हमारे तरफ से, हम तो महादेव की कृपा यही बना रहे उनके ऊपर, वो भी जीते तो हमारे भोजपुरी के 4 सांसद हो जाएंगे। क्योंकि आपने जिस तरीके से उनको एक्शन भी करवाया, उनको खूब पीटा भी है स्क्रीन पे, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से गुंडों को चौके छक्के मार के जीत के हासिल करते थे, क्या उसी तरीके से आसनसोल में विजय पाएंगे? जरूर जरूर, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर जीतेंगे और वो एक अच्छे अभिनेता है, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा नेता भी बने, तो मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं उनके ऊपर है। इधर बॉलीवुड के बिहारी बॉय शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल से और इधर भोजपुरी से हमारे पवन सिंह, दो नाम तो दोनों सिन्हा जी आसनसोल से ही हैं लेकिन TMC से हैं। अच्छा, तो अच्छा, दोनों की टक्कर होने वाली है आसनसोल में, क्या लग रहा है? टक्कर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, भले से वहाँ पे दूसरा सरकार है लेकिन हमको तो भाई हमारा शिष्य हैं और हमारे प्रिय छोटे भाई भी हैं, तो हम तो उनको सोचेंगे कि हमारे ही भाई जीते और मुझे विश्वास है वो जीतेंगे। क्या लग रहा है हीरा यादव को अगर चुनाव प्रचार में बुलाया जाए तो क्या वो बंगाल की गलियों में वोट मांगते हुए पवन सिंह के लिए नजर आएंगे? जरूर, हम पवन जी के लिए जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वो हमारे एकदम प्रिय हैं, हम उनके लिए जब भी बुलाएंगे तो हम उनके प्रचार के लिए जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। फैन से क्या कहिएगा? बस मैं तो फैन से यही कहूँगा कि आप लोग उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि वो जीत के आए ज़्यादा से ज़्यादा वोट से और आप लोग प्यार मोहब्बत बनाए रखिए उनके ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद जी।